Hello student, good morning all of you. Welcome to the next class. Okay, now previous class you have learned addition and story of addition. ठीक है, हमने last class में क्या पढ़ा था? Story of addition पढ़ा था, वो आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Subtraction पढ़ने वाले हैं, है ना? आपने पिछले क्लास में यानी कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन अभी सेकंड स्टैंडर्ड में भी आपको सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, यानी कि बट आपका डिजिट बढ़ने वाले हैं इसमें. ठीक है, सो सब्सट्रैक्शन टॉपिक एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, हम आज सब्सट्रैक्शन भी पढ़ेंगे और सब्सट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ने वाले. सिंपली आपको सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है ये आपको पता है कि माइनस करना या रिमूव करना या टेकिंग अवे किसी और को, अपने पास में जो चीज़ें हैं वो किसी और को हम दे देते हैं, वहाँ पे भी आपकी सब्सट्रैक्शन होती है. कुछ अगर रिमूव हो रहा है वहाँ पे भी आपका सब्सट्रैक्शन होता है, या कुछ रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे भी आपका सब्सट्रैक्शन ही होता है. लेकिन अभी हमें नंबर के भी सब्सट्रैक्शन आपने सॉल्व किए, लेकिन वो क्या थे? इजी थे. हम अभी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ने वाले. ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, रूल नंबर वन, वेन वन इज सब्सट्रैक्शन फ्रॉम अ नंबर वी गेट द नंबर बिफोर इट. मीन्स क्या होता है? अगर वन किसी नंबर से रिड्यूस हो रहा है या उसे हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, उसके बाद क्या नंबर्स आते हैं वो हमें देखना है. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स ड्रॉ किए हैं, लिखे हैं 66. क्या है? 66 माइनस वन. क्या है? 66 माइनस वन इज इक्वल टू 65. अगर आपके पास 66 नंबर से, यानी कि आप 66 में से वन माइनस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? वन रिड्यूस कर रहे हो. यानी कि आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा था और असेंडिंग ऑर्डर भी आपने पढ़ा था, उसमें आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, वन नंबर रिड्यूस हो रहा है. किसमें से? 66 नंबर में से वन माइनस हो रहा है, यानी कि वन रिमूव या रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो देन हमें इज इक्वल टू आंसर क्या मिला यहाँ पे? 65. एक हमने वहाँ से माइनस कर दिया, इसलिए हमें क्या आंसर मिला? 65, है ना? ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये मेथड पढ़ी है ना? उसके अनादर भी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है वो भी हम देखेंगे. ठीक है, फिर ये समझ में आपको? 66 माइनस वन इज इक्वल टू 65, यानी कि 66 में से वन माइनस हो गया. हम इसके सब्सट्रैक्शन भी करके देखते हैं, है ना? आपको पता है कि सब्सट्रैक्शन हम कैसे करते. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने टेंस, आपको प्लेस भी पता है कि ये 66 और की प्लेस क्या है. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने राइट किया टेंस एंड वंस. चलो, पहले 6 की प्लेस क्या है? वंस. देन अनादर ऑल्सो 6. ओके, सो हमें क्या माइनस करना है? वन माइनस करना है. माइनस वन इज इक्वल टू क्या आता है वो हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा 65, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सॉल्व करके देखेंगे. चलो देखो, 6 माइनस वन, चलो 6 माइनस वन करो. मैंने बताया था अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड की तरह आपको काउंटिंग नहीं करनी है, यानी कि लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उसमें से कट करोगे, देन आप उसे काउंट करोगे, देन आप उसमें आंसर लिखोगे. ऐसे करना है क्या? नहीं करना है. हमें क्या करना है? अभी 6 है आपके पास, है ना? 6 है, 6 में से 1 रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो. तो 6 में से अगर 1 चला गया तो हमें कितने मिलेंगे नंबर? यस, 5 मिलेंगे. दैट्स व्हाई राइट द 5. ओके, एंड यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं है, एज इट इज हम 6 को ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं. चलो, क्या हो गया हमारा? 65 मिला हमें, 65 आंसर. यस, है ना? मीन्स 66 माइनस 1 इज इक्वल टू 65. समझ में आया आपको? यस. ओके, देन ऑल्सो एक वन एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया है, वो भी हम सॉल्व करके देखते हैं. पहले ये समझ लो, 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31. क्या है यहाँ पे?
32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31। चलो ये ड्रॉ कर, पहले बताओ मुझे 2 किसकी प्लेस पे है? यस 1 की प्लेस पे है 2, है ना। देन 3 किसकी प्लेस पे है? 10 की प्लेस पे है, सो 3। ओके, हमें क्या माइनस करना है? 1 माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं 1 1। ओके सो 2 माइनस 1, फटाक से बताओ, हमें हमारे पास ओनली बहुत स्मॉल डिजिट है, 2 है ओनली। 2 माइनस 1, यस 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू 1। ओके देन 3 के साथ किसी को माइनस करना है क्या? हमें नहीं, इसलिए 3 एज इट इज वहाँ पे आएंगे। आए या वहाँ पे एज इट इज 3, हाँ मीन्स 32 माइनस 1 जब हमने किया तो हमें आंसर क्या मिला? 31 मिला, है ना। मैंने यहाँ पे राइट किया, देखो 31, ये समझ में आपको? हाँ चलो अभी हम नेक्स्ट रूल देखते हैं सब्सट्रैक्शन का क्या है। ये हमारा फर्स्ट रूल है सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने का। देन हमारा सेकंड रूल क्या है? चलो रीड करते हैं। व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर इज 0। यानी कि अगर हम किसी सेम नंबर के साथ सेम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये देखो यहाँ पे मुझे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, 67 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। मीन्स मैंने क्या किया, 66 में से 66 को ही माइनस कर दिया। अभी इजी एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 2 में से मैंने 2 ही 2 को निकाल दिया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 2, देखो 2 फिंगर से मेरे पास, इन 2 फिंगर्स में से 2 ही फिंगर को मैंने रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, यानी कि क्या है? 0 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? हमारा 0 होता है। सो ये समझ में आपको कि अगर हम सेम नंबर में से सेम ही नंबर को अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का लो या किसी भी जैसे हमारे पास अगर बॉल है, कितने बॉल है? हाँ कंसिडर करो कि 4 बॉल्स है, वो 4 बॉल्स को हमने किसी और को दे दिया, 4 ही बॉल्स को, मीन्स टोटल 4 बॉल्स को आपने किसी और को दे दिया, या आपके फ्रेंड को दे दिया, या आपके सिस्टर या ब्रदर को दे दिया, तो आपके पास कुछ भी बचेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने जितने आपके पास बॉल्स थे वो आपने किसी और को दे दिए, है कि नहीं। सो दैट्स वाई मीन्स क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी नंबर हो, अगर हम सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। अगर हमारे पास जितनी भी कुछ चीज़ें उतनी के उसने वो भी हमने सभी अपने फ्रेंड को या किसी को दे दी तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ बचेगा क्या? नहीं, मीन्स कुछ नहीं है मतलब क्या है? 0 है, ठीक है। सो हम ये अभी सॉल्व करके भी देखते हैं कि ये 67 माइनस 67 इज इक्वल टू 0 कैसे है। चलो टेंस वंस, अभी बताओ 7 की प्लेस क्या है? वंस। ओके 6 की प्लेस क्या है? टेंस। माइनस हमें क्या करना है? उसी वैल्यू को करना है, 7 माइनस 67। ओके चलो 7 में से 7 को निकालो, यस 0 ही आएंगे हमारा। ओके 6 में से 6 अगर माइनस किए तो यस 0 ही आएंगे, है कि नहीं। मीन 0 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने ऐसे सॉल्व किया हमारे, इसीलिए 20 आए, बट हमने यहाँ पे डायरेक्टली 66 को 66 से माइनस कर दिया, ठीक है, ये समझ में आया। देन अनदर एग्जांपल भी वैसा ही है। चलो यहाँ पे ओनली क्या ऐसी ही मेथड है, ओनली यहाँ पे क्या चेंज है? डिजिट चेंज है। यहाँ पे 67 थे, यहाँ पे 42 है। क्या है? 42 है। सो 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0, है ना। वो भी हमने वैसे ही किया, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। माइनस, ओके अभी 2 की प्लेस क्या है? 1। देन 10 की प्लेस क्या है? 4। ओके देन वैसे ही 2 एंड 4। चलो सॉल्व करके देखो, आप भी सॉल्व करो अपनी कॉपी में।
मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, आप अपने कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है। 2 - 2 = 0, 4 - 4 = 0। अगर आपको ये हार्ड जा रहा है तो मैं आपको वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में करते थे ना लाइन्स ड्रॉ करके उसको माइनस कर देते थे, मैं यहाँ पे भी करती हूँ। देखो 2 लाइन्स मैंने ड्रॉ की और इसमें से मुझे 2 में से 2 ही निकालना, इसलिए दोनों को कट कर दिया, यानी कि क्या आंसर है हमारा 0। अगर 4 भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, अगर 4 में से 4 माइनस करूँगी तो देखो 4 में से मैंने 4 लाइन को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या है मेरा यहाँ पे 0 ही आया है ना। ये भी आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो अगर आपको हार्ड जा रहा है तो, नहीं तो आप अपना माइंड का यूज़ करके करना है कि आपको या फिंगर्स की हेल्प से या ऐसे हमने जो पढ़ाया था वैसे नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली आपको आना चाहिए अभी कि 4 में से अगर 4 माइनस करो तो 0 आता है, या कोई भी नंबर आप लोगे उसमें से अगर मैंने बताया कि 8 में से 5 माइनस करके दिखाओ तो आपको जल्दी से आना चाहिए कि 8 में से अगर 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर आता है 3, ठीक है। ये समझ में आपको, ये हमारी प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज है। अभी 1 मोर प्रॉपर्टीज है, बट वो टॉपिक मैंने स्पेशली आपको पढ़ाया है ना। 0 अगर किसी भी वैल्यू के साथ आप 0 को माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू एज इट इज आती है, वो स्पेशल टॉपिक मैंने आपको एक लास्ट क्लास में पढ़ाया है, तो वो प्रॉपर्टी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में लेना है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में लेना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं, तो हमें ये सॉल्व करके देखना है। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, अभी हमें ये सॉल्व करके देखना है, ठीक है। चलो ये सॉल्व करके देखते, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेंस प्लेस पे नंबर्स लिखे हैं और 1 की प्लेस पे भी जो नंबर्स है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपको ओनली क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन हमें सॉल्व करना है। चलो देखो अभी, हाँ तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पहले 6 - 3 करना है। क्या करना है, 6 - 3 करना है। चलो बताओ मुझे जल्दी कि 6 - 3 कितना होता है। यस, 6 में से 3 को रिमूव कर दो, कितना आएगा हमारा आंसर 3, है ना। कितना आंसर आएगा 3, क्योंकि क्या किया हमने, 6 में से 3 को हमने माइनस कर दिया। जल्दी से आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, टेंस की प्लेस पे क्या वैल्यू है हमारी, 7। 7 में से हमें कितने किसे माइनस करना है, 4 को माइनस कर। चलो 7 में से 4 को माइनस करो, जल्दी से आना चाहिए। 7 - 4 = 3, क्या 7 - 4 = 3, आंसर क्या मिला हमें 33 मिला। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने लिखा है, टेंस की प्लेस पे जो वैल्यू है और वंस की प्लेस पे जो वैल्यू है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी। तो चलो ये बताओ अभी, 4 - 2 = 2, यह रिपीट हो रहा है हमारा, 4 - 2 पहले भी हमने देखा है, ठीक है। 4 - 2 = 2, देन 5 - 3 = 2, ओके। सो यहाँ पे भी हमें क्या आंसर मिला, 22 आंसर मिला, ठीक है। ये इस प्रॉब्लम आपको समझ में आए, ऐसे ही आपको सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। आपके वर्कबुक में भी दिए हुए कुछ प्रॉब्लम्स, वो आपको अभी अपने बुक में से सॉल्व करने है, यानी कि आप वर्कबुक में भी सॉल्व कर सकते हो या उसमें से कुछ प्रॉब्लम लेके अपने कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हो, और मुझे भेजना है ये प्रॉब्लम सॉल्व करके, या आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं, आपको इजी गया है क्या ये समझने में, और इसके कुछ अगर इश्यूज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करना और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज लर्न करनी है कि कितनी प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है। एक तो मैंने पहले टॉपिक में पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, यानी कि अगर नंबर के साथ 0 को माइनस किया तो कितनी वैल्यू आती है, सेम ही वैल्यू आती है। और यहाँ पे आज के क्लास में मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है। ये समझ में आपको, सो अच्छे से स्टडी करना और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना, ओके।